ये होता है यमराज के नाम का दिया, तो यमराज के नाम का दिया निकाला जाता है वो ये होता है। आटे का दिया है, सरसों का तेल है इसमें, चतुर्मुखी दिया है, काले वाले तिल पड़े हुए हैं। इसको जलाएंगे घर से बाहर जाकर, घर पे नहीं जलाते, घर से बाहर जाकर दक्षिण दिशा में जलाते हैं। तो ये चारों बत्तियां अलग अलग हैं, ये नहीं कि एक लंबी बत्ती कर दी और इसी में दो कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये आप देख रहे होगे थोड़े से चावल मैंने रखे हैं अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, और ये मैंने रखा है एक का या दो का सिक्का, मेरे को याद नहीं है। और ये जो आपको साइड में दिया दिख रहा है ना, ये मेरे घर का एवरीडे मैं दो दिए जलाती हूँ वो है। और ये मैंने अब यमराज के नाम का दिया कर दिया है। ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका मुख है दक्षिण की तरफ, इस समय पे इनका मुख है, और मैं चतुर्मुखी दिया जला रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये चतुर्मुखी दिया जला रहे हैं, थोड़ा सा तेल गिर भी गया था, तो ये चतुर्मुखी दिया जला रहे हैं। चार बत्ती का दिया है जो हम जला रहे हैं। अगर आप एक दिन जलाना चाहते हो तो आप, वो कल है, कल का दिन है। अगर 5 दिन जलाना चाहते हो तो आज से प्रारंभ कर सकते हो, और एक दिन जलाना चाहते हो तो आप कल के दिन अवश्य जलाइए। ये देखिए, हमने चारों जो बत्तियां हैं, चारों बत्तियों से दिए जला दिए हैं। ये देखिए, चारों बत्तियों से हमने दिए जला दिए हैं। और दिया जलाने के तत्पश्चात हमको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है यमराज से कि यमराज की कभी भी सीधी दृष्टि हमारे घर पे ना पड़े। यमराज से हाथ जोड़ के मेरे हस्बैंड प्रार्थना कर रहे हैं, ये पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना कर रहे हैं कि यमराज की जो दृष्टि है, शुभ दृष्टि हमारे घर पे पड़े, अशुभ दृष्टि हमारे घर पे ना। और ये अब हम उनको जल समर्पित कर रहे हैं। जल से हम चारों तरफ जल डाल देंगे और फिर हाथ जोड़ लेंगे। और ये, और उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा है, अपने अपने घरों में चले गए हैं।